यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं कि अब तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के महंत जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और लेकिन झांसी की बात करें, झांसी में कई मंदिरों पे कल उत्सव मनाया गया, लेकिन आज झांसी का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर महारानी लक्ष्मी बाई और गंगाधर राव यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। ये बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पुजारी से पूछेंगे किस तरीके के यहाँ का कार्यक्रम होंगे आपके यहाँ। आज शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, झांसी के सभी विद्वत जितने संगीतकार हैं सभी लोग हाजिर लगाते हैं, वाणियों का गायन होता है। और क्या क्या और कार्यक्रम होंगे, आज क्यों मनाया जा रहा है? आज भादो की अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। यहाँ महापुरुष 300 वर्ष पुराना आश्रम है, पहले कुटिया बना भजन करते थे, बड़े भजन आनंदी और तपस्वी महात्मा हो गए, तो साधु भजन करेगा तो राजा महाराजा वहाँ परंपरा जाते थे पहले की। यहाँ के महंत का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर इस मंदिर पर, लेकिन झांसी की बात करें तो यहाँ का विशाल पुराना मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर आज देख रहे हैं कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं झूला भी, महाराज जी से कहेंगे दादा ये देखिए शिव के भगवान का झूला भी जो लोग बैठे हैं झूला रहे हैं। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी के महाउत्सव हो रहा है और आज 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, उसके बाद अभी लोग अभी पहुंच गए हैं जो गाना बजाना कर रहे हैं, और इसके बाद झांसी की शहर के पूरे और बुंदेलखंड के दूर देश के लोग आते हैं। देखिए वहाँ पर भक्तों का जमावड़ा इस वक्त काफी ज्यादा संख्या में होगा। आपने भक्तों से बात की, उनमें कितना उत्साह, वो कितने उत्साहित है आज जन्मोत्सव को लेकर, क्या कुछ कहा उन्होंने? झांसी की बात करें तो झांसी के लोग अपार लोग यहाँ देख रहे हैं, आप काफी लोग आते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने लोग मंदिर पर दर्शन करने के पहुंच रहे हैं। और झांसी में जिस तरीके से इस मंदिर पे जो भीड़ होती है पहली बार नहीं देखा जाता, हर वर्ष भी यहाँ देखा जाता है, लेकिन झांसी में आप देख रहे भगवान का पल्ला वगैरह जिस तरीके से झुलाया जा रहा है भगवान का, और यहाँ के बुंदेलखंड के दूर दूर से लोग यहाँ मंदिर पे पहुंचेंगे, और रात में 12 बजे इनका जन्म होगा श्री कृष्ण जी का, इसके बाद यहाँ पर बधाइयाँ होंगी और इसके बाद नाच गाना भी होंगे, जिस तरीके से धार्मिक कीर्तन भी होंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए धार्मिक क्रियाकलाप भी होते हैं, नाच गाना भी होता है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुतियाँ दी जाती है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी हो रही है सब वहाँ मंदिर में? देखिए तैयारी की बात करें तो यहाँ तो 5 दिन पहले तैयारी हो चुकी है मंदिर पर धीरे, और यहाँ के भक्तगण जो आते हैं वो अपनी स्वयं मेहनत करके यहाँ पर हाल पूर माल वगैरह बिजली का सामान सब लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, मंदिर की तैयारियाँ करते हैं, और आज के दिन सारे लोग 12 बजे तक भगवान के जी के जन्म के लिए यहाँ पर बैठते हैं, और जैसे ही जन्म होता है इसके बाद अपने आप सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह और नाच गाना भी होते हैं। जी आपको रोकना चाहेंगे सुझा, हमारे साथ जितेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जितेंद्र आप जिस मंदिर पर इस वक्त मौजूद है वहां पर किस तरह की धूम देखने को मिल रही है?